वेल हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। पर फ्रेंड्स आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मास महाराजा अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के 45 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी के बारे में इन द कंट्री ऑफ इंडिया। बट फ्रेंड्स अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो मैंने बहुत सालों से ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी जिसने अपने 45वें दिन पर ऐसा धमाका किया है। स्क्रीन्स गिनती के, शोज भी गिनती के, लेकिन कलेक्शंस इतना कि नई नई फिल्में जैसे कि लव आजकल द्वितीय, इवन मलंग को पीछे छोड़ दे, तानाजी द अनसंग वॉरियर ने अपने 45वें दिन पर यानी कि उसके 7th संडे पर ऐसे अजूबा एंड यू नो करिश्माई कलेक्शंस दिखाए हैं। अगर गाइज कल ऑफिशियल फिगर्स आते हैं तो गाइज ये अविश्वसनीय और एकदम अद्भुत होगा। तानाजी द अनसंग वॉरियर मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत बड़ी हिट है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, राइट अप टू द लाइक्स ऑफ दंगल, पीके, इवन टाइगर जिंदा है, इस प्रकार की हिट है। अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म को जितना सराहना चाहिए था पूरे देश भर में उतना नहीं मिला, क्योंकि गाइज मुंबई टेरिटरी को मैं अगर निकाल दूं तो मुंबई टेरिटरी वॉज 140 करोड़ प्लस। नाउ 140 करोड़ इज एन ऑल टाइम रिकॉर्ड मेरा भाई। बाहुबली 2 कंक्लूजन को मैं अगर हटा दूं साइड में तो 140 करोड़ मेरे को लिख के देता हूं, जिंदगी बीत जाएगी, सदियां बीत जाएगी, कोई भी हिंदी फिल्म इतना पैसा नहीं कमा पाएगी मुंबई टेरिटरी में जितना इस फिल्म ने कमाया है। अगर मुंबई टेरिटरी को निकाल दूं तो पूरे इंडिया में दिस फिल्म इज अकोमोडेटेड ओनली 130 करोड़ प्लस, जबकि ये फिल्म पूरे इंडिया में एटलीस्ट 200 करोड़ विदाउट मुंबई टेरिटरी करनी चाहिए थी। अगर वो ये कर देती देन मेरा भाई दंगल क्या, पीके क्या, टाइगर जिंदा है क्या, ये फिल्म सब फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देती। एंड गाइस सबसे बड़ा कारण है कि ये फिल्म इतना नहीं अचीव कर पाई जितना इसे अचीव करना था, वो ये है कि ये फिल्म एक ट्रिपल वे क्लैश थी मेरा भाई। यस फ्रेंड्स दिस हैड यू नो चपाक, इट हैड दरबार इन द क्लैश, इट हैड आला वैकुंठपुरमलो, यू नो इट हैड सरेलेरू निकेवेरू इन द क्लैश। इतने सारे घमासान क्लैशेस के बावजूद ये फिल्म जहां पर है इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज अचीवमेंट। मैं फिल्म की अचीवमेंट पर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो होता तो क्या होता। एंड गाइस अगर ऐसा को पता होगा वीकेंड पर भी वी हैड फिल्म्स लाइक पंगा एंड स्ट्रीट डांसर 3D जो इसके फिल्म की जो जर्नी थी उसके रास्ते का रोड़ा बनी। इसी का कारण है तानाजी द अनसंग वॉरियर विल नॉट अचीव व्हाट इट शुड हैव अचीव्ड। एंड गाइस अगली बार ऐसी फिल्म आए तो प्लीज पैन इंडिया इसे वो कलेक्शन अचीव करवाइए जो ये डिजर्व करती है। अगर मैं आज की बात करूं गाइस तो फिलहाल इट हैज हार्डली एनी शोज इन अहमदाबाद, इन बैंगलोर, इन चेन्नई, इन हैदराबाद, ऑलमोस्ट सभी जगहों से तानाजी द अनसंग वॉरियर का रैप अप हो चुका है। लेकिन आज भी मुंबई 120 शोज, पुणे 100 शोज, नासिक में आज भी ये फिल्म खचाखच भरी हुई है गाइस। दिस इज द पावर, इज अ यूफोरिया। एंड आई थिंक अगली बार मुंबई सर्किट में यानी कि महाराष्ट्र में ये अगर कोई फिल्म है जो इस तरह का पागलपना कर सकती है वो ऑब्वियसली अभी रितेश देशमुख और यू नो साइराट के डायरेक्टर थे वो एंड अजय अतुल, यू नो ये सारे लोग मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो यू नो कथा लेकर आ रहे हैं यानी कि ट्रिलॉजी, वही फिल्म इसका रिकॉर्ड चैलेंज कर सकती है। वरना तानाजी द अनसंग वॉरियर का जो रिकॉर्ड है मुंबई सर्किट में वो अमर हो जाएगा, उसको कोई हिंदी फिल्म नहीं तोड़ सकती चाहे कितने से बड़ा एक्टर आ जाए। 140 करोड़ मुंबई सर्किट इज अनब्रेकेबल, लिटरली बाहुबली जैसे लेवल की फिल्म लगेगी इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। दिस इज व्हाट तानाजी द अनसंग वॉरियर अचीव। फॉर मी इट्स अ हिट एट पार विद दंगल। तानाजी द अनसंग वॉरियर इज अ बिग हिट लाइक दंगल, लिटरली स्पीकिंग। कलेक्शंस में नहीं जा रहा हूँ एंड फुटफॉल्स ऑफ मोर देन 2.50 करोड़ मेरा भाई, फुटफॉल्स इतने महत्वपूर्ण आज के जमाने में। एंड अगर मैं और तारीफ के पुल बांधूँ अजय सर के तो गाइज ये भी कहना चाहूंगा कि इस इंसान ने इस फिल्म को इतने कम टिकट रेस पर रिलीज किया है कि आई मीन अगर मैं इनकी जगह पर होता द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, मैं भी यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था द क्रोकोडाइल मेकिंग ऑफ दिस फिल्म, यू नो एक सीन है इसमें जहां पर उदयबान यानी कि सैफ अली खान क्रोकोडाइल का मांस खाता है उसको गोल गोल घुमा के, यू नो सिगड़ी पे, वो क्रोकोडाइल बनाने के लिए वो बंदों को कितना टाइम लगा था। एंड एक एक एक्शन सीन, आई मीन इतनी रिहर्सल्स, इतनी पिक्चराइजेशन, द एफर्ट गॉन इनटू मेकिंग दिस फिल्म। मैं अगर प्रोड्यूसर होता ना तो मैं ATP इतना हाई रखता फिल्म का
वेल फ्रेंड्स, यही तो डिफरेंस है मुझ में अजय देवगन में, इसलिए मैं फिल्म का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, वो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। ओके गाइस, अगर ये जितने भी ज्ञान दिया हूँ 5 मिनट, इसमें से अगर कुछ भी बुरा लगे तो डिसलाइक का बटन है, यू कैन प्रेस इट। अननेसेसरीली यू नो यहाँ फालतू की बकवास करता नहीं हूँ, जो मुझे लगता है जो बताना चाहिए आप लोगों को मैं वही बताता हूँ आप लोगों को। अननेसेसरी ज्ञान इस चैनल पर ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। ओके गाइस, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वेल फ्रेंड्स, 42 डेज में ताने द अनसंग वॉरियर ने 274.90 यानी कि 274.90 करोड़ कमाई कर ली थी इंडिया में। वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 362.11 यानी कि 362.11 करोड़ कमाई कर ली थी 42 डेज में। अब 7th वीक शुरू हुआ, मैंने आपसे कहा कि 43rd डे पे इस फिल्म ने 55 लाख तक का बिजनेस किया। अब हमको कल ऑफिशियल फिगर का इंतजार करना पड़ेगा। बात करें 44th डे की, यानी कि इसके सैटरडे की, तो फिल्म है टेकन अ जाइगेंटिक जंप। जैसे आपको पता है लव आजकल द्वितीय इज अ डिजास्टर, तो जितनी भी फिल्में थी चाहे वो शुभ मंगल ज्यादा सावधान ले लो या फिर भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप ले लो, इन सारी की सारी फिल्में अलॉन्ग विद ताने द अनसंग वॉरियर, इन सारी फिल्मों को फायदा हुआ है, इसलिए 44 डे का कलेक्शन 67 लाख आ रहा है। लेट्स सी कल जो ऑफिशियल आएगा 67 आता 68 आता कितना है, लेकिन 67 लाख ही आएगा। बात करें आज की, तो आज ये फिल्म थोड़ा चूक गई गाइस, वरना ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देती 45th डे पर 1 करोड़ रुपए कमाने का। अगर 45th डे पर ये 1 करोड़ कमा देती तो एक अविश्वसनीय अचीवमेंट होता था, लेकिन माय प्रेडिक्शन फॉर द 45th डे यानी कि आज का 45वें दिन का वो है 90 लाख रुपए। एंड इसी के साथ इसका अगर मैं वीकेंड देखूं मेरा भाई, तो वीकेंड इसका 2.12 करोड़ से लेकर 2.15 करोड़ पे होगा, विच इज ह्यूज। दिस इज अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द 7th वीकेंड। यस गाइज, 7th वीकेंड पर ऐसे रिकॉर्ड कभी देखे नहीं गए हैं। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का रिकॉर्ड जो 7th वीकेंड का है वो है 4.03 करोड़, यानी कि जो 7वां वीकेंड रहता है उसके बाद 3 इडियट्स है। दंगल तो इस रिकॉर्ड्स की फेयरलिस्ट में है भी नहीं गाइज। 3 इडियट्स का रिकॉर्ड है 2.15 करोड़, एंड ये 2.15 करोड़ का जो रिकॉर्ड है उसको भी बहुत दूर, यस फ्रेंड्स, बहुत दूर फेंक कर आ जाएगा। आई थिंक जस्ट टच एंड गो होगा। उसके बाद गाइज जो फिल्म आती है वो है बधाई हो। बधाई का जो रिकॉर्ड है वो है 1.30 करोड़ रुपीज। एंड गाइज बात करें कबीर सिंह का, तो कबीर सिंह का रिकॉर्ड है 67 लाख। वेल फ्रेंड्स, ये तो बात रही इसके यू नो 7th वीकेंड की, लेकिन अब हम बात करेंगे द ऑल इम्पोर्टेंट 7th वीक डे। वेल फ्रेंड्स, ऐसे रिकॉर्ड ये फिल्म बनाने वाली है 7th वीक डे पे कि आप खुद अपने कानों पर विश्वास नहीं करोगे जब मैं नेक्स्ट फ्राइडे इसके 7th वीक डे के कलेक्शन लेकर आऊंगा, एंड पूर्ण तरीके से इसके 7th वीक के कलेक्शन आपके सामने लेकर आऊंगा। अब गाइस बात करते हैं डे नंबर 46 यानी कि इसका 7th मंडे, डे नंबर 47 7th ट्यूसडे, डे नंबर 48 7th वेडनेसडे, एंड डे नंबर 49 7th थर्सडे। आई एम प्राउड टू बी इन दिस यू नो एरा विच अजय देवगन हैज क्रिएटेड। लिटरली बोल रहा हूँ, अजय देवगन इंडस्ट्री में कितने साल से मेरे भाई, he is given knockout films man. ek time the rage tha when we were in college, you know, his films like Aparan, Ganga Jal, what acting man, brilliance personified. tab se is bande ne zakhm ki hai na, it's absolutely amazing. mera ek video hai Ajay Devgan ke upar, jab maine unko happy birthday ka video banaya hai, jitne bhi Ajay Devgan ke fans hai wo video dekho, agar mujhe mila to I button mein dunga wo video, just go and watch that video. I have poured my heart out फॉर अजय देवगन। ये सक्सेस वो डिजर्व करते थे बहुत साल से, बस यही था कि वो जो सक्सेस है वो नंबर्स में मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही थी। सेम गोज फॉर अक्षय कुमार ऑल्सो, ही वॉज सक्सेसफुल, लेकिन दो मैजिकल नंबर्स 200 करोड़, 250, 270, 300, दीज एक्टर्स कुडंट गेट दोज नंबर्स। अजय देवगन कमिंग इन एंड नाउ गेटिंग अ 275 करोड़ प्लस फिल्म बैक इन द टॉप लीग। अक्षय कुमार pumping in 200 crores back to back 3 films, and with Suryavanshi coming in now 300 crores is open man for that guy. really huge achievement. 46 day par guys 40 lakh kamayegi, 47 par 37 lakh, 48 par 34 lakh, and 49th yani ke 7th week ka jo last day rahega wahan pe 30 lakh kama kar apna 7th week day jo hai wo 1.61 crores kamayegi. now guys 2.12 करोड़ का 7th वीकेंड, 1.61 करोड़ का 7th वीकडे, यानी कि जो 7वां हफ्ता रहेगा इट विल बी एन ऑल टाइम रिकॉर्ड ऑफ 3.73 करोड़ मेरा भाई। उरी सर्जिकल स्ट्राइक को हटा दूं
तो ये रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी ना। कैन यू इमेजिन गाइस, इस फिल्म ने सिक्स वीक पे 4.97 करोड़ की कमाई की थी। मैंने जबान दी थी कि 2.5 करोड़ तो मिनिमम आएगा, 2.5 साढ़े तीन का चार मार देगी तो कंफ्यूज मत होना। 3.73 करोड़ इज ऑन कार्ड। अगर गाइस अगर ये उतना कर देती है देन गाइस द रिकॉर्ड इज ओपन। यस फ्रेंड्स, 277.02 करोड़ ये इसका कल तक होगा। 1.61 करोड़ ऐड कर दूं देन सातवें हफ्ते के बाद यानी 49 डेज के बाद तानी दनसंग वॉरियर विल बी एट 278.63 करोड़। फिर कबीर सिंह का रिकॉर्ड गया मेरा भाई। लेट्स सी गाइस, 278.63 करोड़ के कितना नजदीक पहुंचती है। एंड इंशाल्लाह अगले हफ्ते सिर्फ और सिर्फ थप्पड़ आ रही है तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है इस फिल्म को। ये अपने एथ वीक में मिनिमम टू मिनिमम 175 स्क्रीन्स लेकर जाएगी एंड 280 करोड़ अचीव कर लेगी एंड फिर ये फिल्म समाप्त हो जाएगी। बागी 3 के बाद अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मुंबई या पुणे एंड आई थिंक नासिक, ये तीन जगहों पर 2021-22 शोज होंगे एंड ये फिल्म का लाइफ टाइम कहीं ना कहीं अब 280 से लेकर 281 करोड़ पे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, सो कल मिलेंगे, आई होप ऑफिशियल फिगर्स आ जाए। ओके गाइस, एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो नवीन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज।